तो आइए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका यूपी खबर जानकारी न्यूज में। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अब इतने लाख लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, एक झटके में योजना से होंगे बाहर। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा शराब व बियर का सेवन, जाने कितने बढ़ेंगे दाम। यूपी में मैनपुरी महिला, महोबा ओबीसी, महाराजगंज एससी महिला, जानिए 199 नगर पालिका परिषद में आरक्षण का हाल। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले सड़क बिजली आवास पूरी होगी हरास। उन्नाव में नीम के पेड़ से दूध टपकने की अफवाह पर जुटी भीड़, लगी प्रसाद की दुकानें। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने की तैयारी में योगी सरकार। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को न्याय के लिए मां के साथ सड़क पर उतरे ग्रामीण वाराणसी पुलिस पर लीपापोती का है आरोप। यूपी में सरकार के निर्देश पर सतर्क रहे प्रदेश के सभी अस्पताल, पॉजिटिव सैंपल्स की होगी जीनोम सिक्वेंसी, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 14 साल की बच्ची के पेट से निकले 2.5 किलो बाल, 8 साल की उम्र से खा रही थी ट्राइकोविजार बीमारी से है पीड़ित। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अप्रैल में डीए वृद्धि की घोषणा की तैयारी, 19 लाख को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मस्जिद के सामने शोभा यात्रा निकालने पर बवाल, दो पक्षों के बीच पथराव और मारपीट की है खबर। उत्तर प्रदेश में 120 सरकारी वाहन कल से हो जाएंगे कबाड़, 35,000 से अधिक वाहन हो चुके हैं चिन्हित। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर प्रजापति समाज के लोगों ने किया हंगामा, आरक्षण की मांग को लेकर पदयात्रा निकाल रहे, पुलिस के रोकने पर लगाया जाम। यूपी में किसानों से इस तरह का नहीं खरीदा जाएगा गेहूं, सरकार ने तय किए मानक, जानिए। ओबीसी मोर्चा चलाएगा गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान, पार्टी ने सभी अग्रिम मोर्चों को सौंपी जिम्मेदारी। माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा हुई तो पीएम मोदी पर कर डाली अभद्र टिप्पणी, भाजपा नेता ने दर्ज कराया है केस। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 3.5 करोड़ की आज फिर ब्राउन शुगर बरामद, एसटीएफ ने 4 तस्करों को किया है गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में सुबह सपा एमएलए के वीडियो को सपा ने किया शेयर, बोली योगी जी जल्दी ओपी राजभर को बनाइए मंत्री। दिल्ली में पोस्टर वॉर के बीच लखनऊ में लगे मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, जाने किसने लगाया। उधारी की ताकत नहीं दिखेगी देशी ताकतों का दम, 19,600 करोड़ की डील से और बुलंद होगी भारतीय नौसेना। अप्रैल में कुल 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए किस राज्य में कब है छुट्टी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बदल रहे पेंशन से जुड़े ये नियम, केंद्रीय कर्मचारियों पर भी होगा असर। बागपत में बारिश का असर, 100 से अधिक गाँव की बत्ती गुल, गेहूँ सरसों की फसलों को हुआ भारी नुकसान। पीएम किसान सम्मान निधि में खुशखबरी, नहीं मिला है पैसा तो अब मिलेगा, 1 मई से सरकार शुरू करेगी ये बड़ा काम। उत्तर प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर, देवरिया जौनपुर अंबेडकर नगर को मिलेंगे 2 4 लेन और 1 बाईपास। चलिए बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर लें। अब इतने लाख लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, एक झटके में योजना से होंगे बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 2,36,000 राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ऐसे कार्ड ऐसे लोगों के नाम हैं जो बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी राशन कार्ड बनाकर मुफ्त में राशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद भी हजारों में है जो आर्थिक तौर पर सक्षम होने के बाद भी फर्जी तरीके से कार्ड बनवा कर मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग अब इन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बता दें कि यह गड़बड़ी तब पकड़ी गई जब खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने 1 फरवरी से 21 फरवरी तक वन नेशन वन कार्ड योजना की भौतिक जांच के क्रम में राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कराने का अभियान चलाया। 1 अप्रैल से यूपी में महंगा हो जाएगा शराब व बियर का सेवन, जाने कितने बढ़ेंगे दाम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई अबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से शराब व बियर के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही प्रदेश में देसी व अंग्रेजी शराब के साथ साथ बियर के दाम भी बढ़ने वाले है। दरअसल प्रदेश कैबिनेट ने 29 जनवरी को अबकारी नीति वर्ष 2023 और 2024 को मंजूरी दी थी, जिसमें लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई थी। इसी के कारण आपको बता दें तो 1 अप्रैल से देसी शराब के क्वार्टर पर लगभग 5 रुपए व अंग्रेजी शराब के पॉपुलर ब्रांड के क्वार्टर पर करीब 10 रुपए की दर से शराब मूल्यों में वृद्धि होगी।
मैनपुरी महिला महोबा ओबीसी महाराजगंज एससी महिला जाननी 199 नगर पालिका परिषद में आरक्षण का हाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद यूपी में शहर की सरकार बनाने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। बताने की आज यूपी सरकार ने 762 नगर निकायों के सीटों का आरक्षण फार्मूला जारी कर दिया है। इनमें से 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत शामिल है। इस बार की लिस्ट में ओबीसी को ज्यादातर तवज्जो दी गई है। वहीं मैनपुरी में महिला, महोबा में ओबीसी, महाराजगंज में अनुसूचित जाति महिला समेत कुल 199 नगर पालिका अध्यक्षों का आरक्षण जारी कर दिया गया है। आरक्षण लिस्ट में पिछली बार की तुलना में नगर पालिका की 73 सीट ऐसी है जिनमें परिवर्तन हुआ है। सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले सड़क बिजली आवास पूरी होगी हरास। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क आवास बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने शानदार कार्य किया है। फिर भी यदि किसी को इन सुविधाओं को लेकर कहीं कोई समस्या है तो उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। इसके आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन्हें आवास की समस्या रह गई है उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कहीं किसी गांव मोहल्ले में सड़क की दिक्कत रह गई हो तो वहां सड़क मरम्मत या निर्माण कराया जाएगा। बिजली के बकाया बिल भी बोझ नहीं रहेंगे, पुनरीक्षित कराकर किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में देंगे 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, योगी कैबिनेट ने विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने से संबंधित निविदा प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है। इसी मंजूरी से वित्त वर्ष 2023 और 24 के अंतर्गत 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि योजना के तहत 5 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को न्याय के लिए मां के साथ सड़क पर उतरे ग्रामीण, वाराणसी पुलिस पर लीपा पोती का है आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भदोही में आकांक्षा की मां के साथ आज बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। आकांक्षा की मां ने वाराणसी पुलिस पर हत्या के मामले को दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लीपा पोती की जा रही है। लोगों ने भदोही वाराणसी मार्ग स्थित बरदाहा पाल चौराहे पर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने पर सभी माने और जाम को समाप्त किया। उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश, सतर्क रहे प्रदेश के सभी अस्पताल, पॉजिटिव सैंपल्स की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड 19 के मामलों में आंशिक वृद्धि को देखते हुए आज योगी सरकार सतर्क हो गई है। सरकार की ओर से ऐसे जनपदों में तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स एवं अस्पतालों यानी सरकारी एवं निजी को सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में 14 साल के बच्चे के पेट से निकले 2.5 किलो बाल, 8 साल की उम्र से खा रही थी ट्राइकोविजार बीमारी से है पीड़ित। जी हां दोस्तों, बिजनौर में एक 14 साल की नाबालिग बेटी के पेट से 2.5 किलो बाल निकले हैं। डॉक्टरों ने नाबालिग का ऑपरेशन करके उसके पेट से बाल का गुच्छा निकाला। ऑपरेशन के बाद बच्ची अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि उसको डॉक्टर की टीम ने निगरानी में रखा है। बताया जा रहा है कि बच्ची 8 साल से ट्राइकोविजार नाम की बीमारी से पीड़ित है, इसी वजह से वो बाल खाया करती थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मस्जिद के सामने शोभा यात्रा निकालने पर बवाल, दो पक्षों के बीच पथराव और मारपीट की है खबर। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक गांव में शाही मस्जिद के शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो पक्षों में विवाद की बात सामने आई है जिसमें पथराव और मारपीट की भी खबर है। बता दें कि मामला जानकीपुरम थाना क्षेत्र के मड़ियाव गाँव का है। करीब 10 मिनट तक चले इस विवाद में दो पक्षों की तरफ से पथराव और मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है जिसमें शोभा यात्रा में जा रहे डीजे की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जानकीपुरम थाने की पुलिस व एसीपी जानकीपुरम ने दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को पकड़कर हिरासत में लिया है। ऐसे नहीं खरीदा जाएगा किसानों से गेहूं, सरकार ने तय किए मानक। जी हां दोस्तों, कल 1 अप्रैल से जिले में सरकारी दर पर गेहूं की खरीद होगी। गेहूं की खरीद करने के लिए सरकार ने मानक भी तय कर दिए हैं। जिन किसानों के गेहूं में मिट्टी, कंकड़ और बता दे तो धूल होगी, उन किसानों का गेहूं सफाई कराए बिना नहीं लिया जाएगा। पतला और काला गेहूं खरीदने से भी परहेज रहेगा। जिले के 67 खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद होगी।
दिल्ली में पोस्टर वार के बीच लखनऊ में लगे मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर जानिए किसने लगाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे पोस्टर वार के बीच राजधानी लखनऊ में भी मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए हैं। ट्रांस गोमती इलाके में बता दे तो पोस्टर की चर्चा विषय बनी हुई है। ये पोस्टर किसने लगाया है ये भी सवाल है। यह बात अभी तक सामने नहीं आ सकी है और न ही इस मामले को लेकर शिकायत या आपत्ति की गई है। खुशखबरी, पीएम किसान का नहीं मिला पैसा तो अब मिलेगा। 1 मई से सरकार शुरू करेगी ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की अब तक 13वीं किस्त देश के किसानों को मिल चुकी है और इससे अब तक करोड़ों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अब तक जिन किसानों को सम्मान निधि की 13वीं किस्त नहीं मिली है उनके लिए खबर बड़े काम की है। बताने की उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई से 30 मई तक एक अभियान शुरू करेगी। बताने की इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की साख को सत्यापित करने और ज्यादा पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए अभियान में सत्यापन कराएगी। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लें।